हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेह वी किचन। हैप्पी रिपब्लिक डे। 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो 26 जनवरी आई है, इसलिए हम कुछ मीठा बनाएंगे, वो भी बिना गैस जलाए। तो सबसे पहले मैं एक बाउल ली हूँ, उसमें मैं डाली हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, ये 3 टीस्पून है। उसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर, और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून मिल्क, और इसके बाद इसे मैं मिला लूँगी अच्छे से। मिक्स करके मैं इसे रख लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी 1 कप भर के मिल्क पाउडर, और आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। उसके बाद मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये अभी कितना ड्राई है, तो अभी मैं इसमें मिल्क डालूँगी। तो मिल्क पहले ही ज़्यादा नहीं डालेंगे, पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच जैसा मिल्क इसमें ऐड करेंगे, और एक डो के फॉर्म में इसे बनाएंगे। तो इसे मैं हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और एक अच्छे से नीट करके इसे मैं एक डो बना लूँगी। तो आप देखिए ये कितना अच्छा से मिक्स हो रहा है, और ये बहुत जल्दी ही बन जाता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप झटपट अगर स्वीट्स बनाना चाहते हैं, घर पर कोई मेहमान आ जाए तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं हाथ में थोड़ा सा घी ले ली हूँ, आप ऑयल भी ले सकते हैं, और इसे हाथों से अच्छे से इसे मिक्स करके मैं और अब मैं इसे 3 हिस्सों में बांट लूँगी, इसका 3 गोला बनाऊँगी, और तीनों को इक्वल साइज में ही रखूँगी तीनों को। ये देखिए, ये मैं तीनों को इक्वल साइज में बना ली हूँ, और इसके बाद मैं इसमें कलर मिक्स करूँगी। जैसे कि हमारा ट्राई कलर है, आपको पता ही है, ये ग्रीन कलर, और मैं इसमें ऑरेंज कलर भी डालूँगी, ये फूड कलर है हमारा, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अच्छे से मिक्स करके इसे रख लेंगे। वाइट कलर में मुझे कुछ भी नहीं करना है, और ये देखिए ये हो गया है, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब मैं इस क्या करूँगी, एक प्लेट या कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे ये मेरा चॉपर प्लेट है, तो इस पर मैं थोड़ा सा घी लगा दी हूँ, ताकि हमारा जो ये डो है चिपके ना। अगर आपको हाथ में चिपकती है तो आप हाथों पर थोड़ा सा घी या तेल कुछ भी लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से गोल करके मैं ये फ्लैट कर ले रही हूँ, इसमें चम्मच के सहायता से इसे दबाते हुए एक शेप दे देंगे। ये देखिए मैं तीनों को कर चुकी हूँ, और तीनों का थिकनेस एक जैसा ही रखेंगे। उसके बाद मैं तीनों को एक साथ सेट कर दी हूँ, जैसे कि हमारा ट्राई कलर तिरंगा झंडा का होता है, उसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ ये आलमंड्स कटे हुए, और ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मैं कि ये डाल रही हूँ, सिल्वर वर्क पेपर डाल रही हूँ, और इसे मैं अच्छे से काट लूँगी, और काट कर आपको दिखाऊँगी कि हमारा ये ट्राई कलर स्वीट्स डिजर्ट जो है ये कैसा बना है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे तो बहुत ही मज़े से खाते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसे मैं काट लूँगी, बर्फ़ी का शेप दे दूँगी। आप चाहे तो इसे मतलब पेड़ा का भी आप शेप दे सकते हैं, और वैसे भी बना सकते हैं इसे 3 कलर में। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मैं काट ले रही हूँ, और इसे मैं सर्व करूँगी। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है आपको। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरी कोई भी नई रेसिपी हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप देख सको। और आपको कैसी लग रही है दिखने में आप जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ये कैसी दिख रही है, क्योंकि आप खा के तो बता नहीं सकते ना। तो आप ट्राई करिए और खाइए, तब मुझे कमेंट करिएगा कि कैसी दिख रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद।